हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पियूष क्रिएटिविटी। आप लोगों को मेरी चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इयररिंग्स। ये देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान स्टेप्स में इयररिंग्स बनाना आज हम देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आता है, अगर आप लोग अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है इसे दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम ये इयररिंग्स रेडी कर लेंगे। और रेडी करके अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए बॉक्रोम लिया है, सीजर लिया है, ये मैंने रिफिल लिया है एक पेन का, वो चाहिए तो यूज़ करूँगी, चाहिए तो नहीं। यहाँ पर पेपर स्ट्रिप लिया है और यहाँ पे कुछ ग्लिटर लिया है मैंने। ये फेविक्रिल ग्लिटर ग्लिटर है, ग्लू जैसा काम करता है। ये मैंने इयररिंग्स का दो स्टैंड लिया है, कुछ बीड्स लिया है मैंने, रेड एंड वाइट। यहाँ पे मैं चेन यूज़ किया है, बॉल चेन, बीडेड चेन एंड स्टोन का चेन और ग्लू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे जो पेपर स्ट्रिप लिया उसमें से चार पेपर स्ट्रिप को मैं ऐसे अटैच कर लूँगी। सबसे पहले हमें पेपर स्ट्रिप अटैच कर लेना है। सारे पेपर स्ट्रिप एक जैसे अटैच कर लेना है। मैं चार यूज़ करूँगी यहाँ पे। आप लोग अगर बड़ा चाहिए आप लोगों को टॉप, तो आप थोड़ा बड़ा ले सकते हो, बार मतलब ज़्यादा ले सकते हो, पाँच छः ले सकते हो। मैं चार यूज़ करूँगी। अब देखिए, इसके सर में मैं थोड़ा ग्लू लगा के ऐसा अपने हाथ से करूँगी। आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी आप लोग एक रिफिल यूज़ कीजिए ताकि आप लोगों को सुविधा हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये प्रोसेस उंगली की मदद से ही करूँगी। ये देखिए, दो लेफ्ट हैंड की दो उंगली के बीच में मैं रखूंगी और मैं राइट हैंड की दो उंगली की मदद से इसको राउंड राउंड ऐसे घुमाऊंगी। ये देखिए कुछ ऐसा। और थोड़ी थोड़ी बाद में मैं ग्लू लगाते जाऊंगी। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी बाद में ग्लू लगाना है और इसको ऐसे राउंड कर देना है। देखिए, हमने कर लिया। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें भी ग्लू लगा के हमें ऐसे लगा देना है बस अटैच। ये देखिए, हमारे पास मिल गया ए पेपर स्ट्रिप का जो बॉल बस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे उंगली की मदद से ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ प्रेस करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, नहीं तो खुल जाएगा। प्रेस करने के बाद नीचे की साइड में मैं सबसे पहले ग्लू लगा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। नीचे की तरफ लगाने के बाद मैं ऊपर की ओर लगा लूंगी सावधानी के साथ ताकि खुल ना जाए। पेपर स्ट्रिप जब सूख जाता है ये बहुत हार्ड हो जाता है तो खुलने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब इतना अच्छे इयररिंग्स बन के रेडी हो जाएगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। अब देखिए, मैं सूखने के लिए थोड़ी सी टाइम लूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो ग्लिटर का जो फेविक्रिल लिया था उसको थोड़ा लगा लूँगी।
थोड़ा सा लगा के उंगली की मदद से ऐसे उनको स्प्रेड कर दूंगी। देखिए हो गया। अब इसको सूखने के बाद मैं इसका जो मिडिल पॉइंट है उसमें ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जो व्हाइट कलर का बीट्स लिया है, हाफ बीट्स, उसको उसे बैठा दूंगी। अब साइड में मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगा दूंगी। साइड में ग्लू लगा दिया। बीच वाले उसको भी ठीक कर देंगे। बीच वाले जो व्हाइट बीट्स लिया, आप उसकी साइड साइड पे, मैं यहाँ पे बैठा हूँगी रेड कलर का कुछ हाफ बीट्स। देखिए साइड साइड में बैठा दीजिए। पाँच से काफ़ी है, पाँच से हो गया है मेरा। अब देखिए यहाँ पे बस हो ही चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ना है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप इसे थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दीजिए, फिर ही काम कीजिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पर मैं लोग अब मैं यहाँ आप लोगों को यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगी। फिर स्टोन का ये बॉल चेन लिया मैंने, उसको मेज़र कर लूँगी। मेज़र ये देखिए, ऐसे करने के बाद अच्छे से मेज़रमेंट करके यहाँ पे मैं कट कर दूँगी। इसके साइड में और थोड़ा सा ग्लू लगा के फिर मैं बॉल चेन बैठाऊँगी। ये देखिए मैंने बॉल चेन बैठा दिया। इसको थोड़ा अच्छे से, आप हमारा काम है। इसके बाद मैंने जो बीट का चेन लिया उसको भी मेज़रमेंट करके काट कट कर लूँगी और फिर ग्लू लगा के उसको भी बैठा दूँगी। साइड में और थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगाते जाएंगे और एक एक स्टेप बाद ग्लू लगाएंगे और फिर एक एक स्टेप करते जाएंगे हम। बस यहाँ पे देखिए बीट का चेन भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। डाल दिया। अब इसको थोड़ा हाथ की मदद से थोड़ा ठीक कर लेंगे। अब साइड में भी ऐसे हम ग्लू लगा जाएंगे। अब इसमें हम स्टोन का एक चेन जो लिया उसको मेजरमेंट करके तोड़ देंगे। फिर इसको अच्छे से बैठा देंगे। इक्वली बैठाना है, अच्छे से बैठाना है। बस बैठ गया। अब इसको कम्प्लीटली सूखने के लिए छोड़ देंगे। हाथ और ज़्यादा मत लगाइए, मैं सूखने के बाद आधा काम करूँगी। ये देखिए कुछ 5-10 मिनट बाद ही सूख चुका है। अब इसके पीछे मुझे स्टैंड लगाना है, इसके लिए मैं बॉक्रूम ले लूँगी। अब इसको मेज़र करके कट कर लूँगी। देखिए दोनों इयररिंग्स का मैं एक साथ ही करूँगी यहाँ पे, तो मैं एक साथ ही कट करूँगी।
अब देखिए इसको एक साइड में ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा जो जगह बचा है उसको उसकी तरफ ऐसे कट कर देंगे पहले। अब देखिए दोनों को एक साथ ले लेंगे इयररिंग्स के पीछे। देखिए दोनों बकरों को, एक बड़ा एक छोटा बकरों को ले लेंगे। अब इस टॉप के अनुसार मतलब टॉप की साइड साइड में उसको ऐसे रख के ऐसे कट कर रख दूंगी, फिनिश कट। देखिए मैंने कट कर लिया। अब जो मैंने छोटा और बड़ा लिया उसमें छोटा वाला को मैं पहले, सॉरी छोटा नहीं बड़ा वाला को पहले से कलर कर दूंगी थोड़ा। मैं यहाँ पे येलो कलर, आप लोग चाहे तो मत कीजिए यूज़, मुझे भी यूज़ नहीं करना था लेकिन मैं कर लिया। जो भी हो वही आप लोग चाहे तो करो, नहीं तो ये स्टेप को स्किप कर दो। और मैं यहाँ पे फिर इसके जो नीचे की तरफ और थोड़ा ग्लू लगा दूँगी अच्छे से। अब छोटा सा जो बकरम कट किया था उसको मैं ऐसे दबा के अंदर की तरफ ले जाऊँगी। ले गया। अब साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है अंदर जाने के बाद उसको मैं ऐसे सीजर की मदद से कट कर दूँगी। साइड में ऐसे कट करते जाऊंगी जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है। अब देखिए हो गया। इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो बॉक्रोम का लिया हुआ है जो कलर किया हुआ, और कलर करने के बाद थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम नहीं लिया, थोड़ी जल्दीबाजी हो रही थी मुझे, टाइम नहीं लिया। लेकिन आप लोग प्लीज़ टाइम लीजिए, नहीं तो कलर जो है पूरा बिगड़ जाएगा। मुझे लग रहा है मेरा कलर पूरा बिगड़ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं ग्लू और थोड़ा लगा लूँगी, देखिए पीछे की ओर कलर थोड़ा उड़ रहा है। अब इसको ऐसे दबा दबा के बैठा देंगे पहले तो। अब इसके एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको भी ऐसे कट कर दूंगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए अब इसके पीछे जो कलर थोड़ा उठ रहा है उसके ऊपर आप थोड़ी सी और कलर लगा के ऐसे स्प्रेड कर सकते हो, वो आपके ऊपर। इसलिए बोला स्टेप को आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि कलर करो। वो कलर करने से लगता है कि हाँ ये शॉप का है, लाइक हम जैसे दुकान में खरीदते कलर किया हुआ वही। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों में इयररिंग्स बना चुकी हूँ, दोनों टॉप बना चुकी हूँ। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, नया डिज़ाइन कैसा लगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपनी फैमिली के साथ। और मेरी चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन आया है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, और उसके बाद एक बेल आइकन होगा उसे दबाना भी मत भूलिए, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।